नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि अब वेटिंग टिकट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप हफ्ते और 10 दिन से देख रहे हैं कि वेटिंग टिकट वालों को किस तरह से उतार दिया जा रहा है, चाहे वो स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर रहे हों, चाहे वो एसी क्लास का टिकट लेकर यात्रा कर रहे हों, अगर उनका टिकट वेटिंग पाया जाता है तो उनको पेनाल्टी लिया जाता है, 440 रुपये पेनाल्टी का, और अगले स्टेशन पे उनको इज्जत के साथ उतार दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जिनका कन्फर्म सीट है, रिजर्वेशन में जिनका कन्फर्म सीट है, उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों ट्रेन में वही यात्रा कर पाएगा जिनका टिकट कन्फर्म हो या दोस्तों जिनका टिकट आरएसी में हो। बाकी वेटिंग टिकट वालों के लिए अब ट्रेन में जगह नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप किसी भी ट्रेन को सर्च कर रहे होंगे, ज्यादातर अभी आप सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारी ट्रेनों में दोस्तों रिग्रेट दिखा दे रहा है, मतलब कि वेटिंग मिल ही नहीं रहा है, वेटिंग भी नहीं मिल रहा है। अगर उस ट्रेन में सीट खाली है तो आपको अवेलेबल दिखा रहा है या आरएसी देखने को मिल रहा होगा। जब उस पर क्लिक करके आप टिकट बुक करेंगे तो आपको आरएसी या तो कन्फर्म बर्थ मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही वह वेटिंग में आ रहा है तो कुछ वेटिंग तक जाता है, उसके बाद वह रिग्रेट लिख दे रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि 100 वेटिंग, 200 वेटिंग, 300 वेटिंग तक टिकट बुक होता था किसी भी ट्रेन में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट आपको रिग्रेट देखने को मिल रहा है, मतलब अब आपको टिकट मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे दोस्तों रेलवे का कहना यह है कि अभी आने वाले समय में वेटिंग टिकट को ख़त्म कर दिया जाएगा, और वो ख़त्म किस तरीके से किया जाएगा कि जब भी आप वेटिंग टिकट लेने के लिए जाएंगे तो वह टिकट उतना ही आपको मिलेगा जितना कि कंफर्म हो सके। अभी फिलहाल दोस्तों रेलवे क्या कर रही है कि सारे जोन वाइज रेलवे के जितने भी जोन हैं वहाँ से सारी ट्रेनों की डिटेल्स मांगी जा रही है, जिससे क्या होगा, सारी ट्रेनों की डिटेल्स जब उनके पास मिल जाएगी तो उनको यह पता लगेगा कि कौन सी ट्रेन में कितना वेटिंग तक कंफर्म हो रहा है, तो उसी हिसाब से 10% और वेटिंग बढ़ाने का निर्णय लेने वाली है दोस्तों इंडियन रेलवे। जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन में 40 वेटिंग तक का कंफर्म हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वह 50 वेटिंग या 55 वेटिंग तक ही बुक करने का अनुमति देगा, उसके बाद दोस्तों टिकट आप वेटिंग बुक नहीं कर पाएंगे, वह रिग्रेट शो करने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि अब उतना ही वेटिंग आपका बुक होगा जितना कि वो कंफर्म हो सके। अगर आपका वेटिंग टिकट बुक हुआ है तो मतलब ये मान के चलो कि वह टिकट कंफर्म 100% हो जाएगा, नहीं तो सीधा रिग्रेट लिखेगा। सभी जोन वाइज से इसलिए डिटेल मांगी जा रही है ताकि वो AI की मदद से उस टिकट को कंफर्म कर सकें। AI दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका फुल फॉर्म होता है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो एक सॉफ्टवेयर के मदद से वो सारे सीटों को फुलफिल कर देता है। अब इसकी मदद से दोस्तों पता चल जाएगा कि कितना वेटिंग तक उसमें कंफर्म हो सकता है, या अगर फिर भी नहीं होगा तो हो सकता है एकाध कोच ऐड करके वेटिंग टिकट वालों को कंफर्म किया जाए, लेकिन वेटिंग टिकट तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, वेटिंग टिकट बिल्कुल ही बंद हो जाने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली मेंबर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पे ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।